देखो बाबू, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, आपको न्यू चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फोर्स और लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं ना। तो उसमें बाबू आपको फोर्स के बारे में बताए थे और वो रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताए थे। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो सारे फोर्स लग रहा है ना, सारे फोर्स के सम को हम लोग क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। जैसे मान लो बाबू ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे लगा 10 न्यूटन का फोर्स, इस पे एक और लग गया 10 न्यूटन का फोर्स, एक और लग गया 10 न्यूटन का फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 10 + 10 + कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू सारे मिल के 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा। अब इंडिविजुअल कोई क्या लगाएगा? ये इतना ही अगर फोर्स लगाता है ना बाबू, ये तीनों फोर्स के बदले बाबू कोई आदमी है जो इंडिविजुअली कितना करता है? 30 न्यूटन का फोर्स लगाता है ना। तो ये तीनों हम लोग क्या कहेंगे? 30 न्यूटन क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। किसका हो गया? ये तीनों फोर्स का 30 न्यूटन क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स हो गया। रिजल्टेंट हो गया ना, रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट का कल मीनिंग बताए थे। ये सब क्या है सर? ये सब जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू, जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, आगे हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना, ये सब में यूज करेंगे, है ना। तो इसीलिए कैसे बाबू आपको टाइम मोशन पढ़ाया, तो उसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, सारा सब पहले बता चुके हैं। अब उसी सब वर्ड को जो बताए उसको हम लोग क्या करेंगे? यूज करें। रौनक बाबू वीडियो ऑन करो। ए बाबू सुबह ऑन करो जी। ठीक, तो बैलेंस फोर्स क्या होता है बाबू? बैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट फोर्स बाबू, है ना, बैलेंस फोर्स क्या करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू, है ना, यदि बहुत सारे फोर्स लग रहा है, तो यदि सारे फोर्स का सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। सारे फोर्स का अगर सम क्या रहा है? जीरो आ रहा है, तो कहेंगे बॉडी पे क्या लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है ना, बैलेंस फोर्स लग रहा। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू? कहने का मतलब क्या हुआ? गुड इवनिंग सर। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? अमृता लेट से क्या आते? बोले 6 बजे से क्लास है ना। बोले ऐसा होगे तो कैसे होगा सर? वाईफाई बंद हो गया था इन्वर्टर। बड़ी वाईफाई बंद होता बाबू, अभी से आपके सिस्टर से बात करते हैं, वैसे हम लोग ढूंढ देते फिर, क्योंकि बाबू आपका करियर, हाँ आपका करियर चौपट होगा। अच्छा ठीक, आपका करियर चौपट होगा, उससे पहले मेरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते। स्कूल नहीं ना बाबू, पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं है, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग किसको कहेंगे सर, है ना, बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पे बाबू बहुत सारे फोर्स लग रहा, तो यदि सारे फोर्स का सम अगर जीरो हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। आपको कल समझाया था ना, बैलेंस फोर्स मेरा क्या होता है सर, है ना, फोर्स मेरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? डायरेक्शन होगा, है ना, डायरेक्शन होगा, है ना। तो मान लो बाबू कोई गाय बॉक्स वगैरह है ना, इसको क्या करो, इधर से ठेल रहे हो, शांति से समझना, इधर से ठेल रहे हो बॉक्स को 10 न्यूटन फोर्स से, है ना, और इधर से भी ठेल रहे हो 10 न्यूटन फोर्स से, ठीक है ना। तो इस बॉक्स पर टोटल कितना फोर्स लगेगा? तो आपको फोर्स में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मान ले तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव एज्यूम करते हो, है ना, इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव एज्यूम करते हो, है ना, इधर इस डायरेक्शन की ओर पॉजिटिव एज्यूम करते हो, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा अगर उसको पॉजिटिव मानोगे, तो इधर से जो फोर्स लगेगा उसको क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव मानना पड़ेगा। उसको क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव मानना पड़ेगा, है ना, निगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक, तो बैलेंस फोर्स हम लोग किसको कहेंगे? इस बॉक्स पे क्या लग रहा है? दो गो फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन और इधर से भी कितना? 10 न्यूटन। ठीक, दोनों साइड से कितना लग रहा है? 10 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इधर वाले फोर्स को अगर प्लस लोगे तो +10 न्यूटन, तो इधर वाला फोर्स को क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। इस साइड से जो फोर्स लगे उसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा, है ना। तो 10 - 10 क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब इस बॉडी पे बाबू, शांति से समझना, अब लिखना नहीं है, इस बॉडी पे बाबू नेट फोर्स कितना हो गया? इस बॉडी पे बाबू नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा। तो यदि किसी बॉडी पे बाबू नेट फोर्स अगर 0 लग रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। उसको ऑब्जेक्ट पे क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। बैलेंस फोर्स लगा, है ना, बैलेंस फोर्स। अरे कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे ये गाड़ी है, तो इसको इधर से भी ठेलो, है ना, इसको इधर से, दोनों साइड से सेम फोर्स से ठेलो, इसमें कोई मोशन वगैरह होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। जितना इधर से ठेलो उतना इधर से ठेलो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस गाड़ी पे क्या लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है ना। जितना इधर से फोर्स कर रहे हो टूट जाएगा। अच्छा, ज्यादा ठेलेंगे तो वो अलग बात, जितना इधर से ठेला उतना इधर से ठेला, है ना। तो जितना, है ना बाबू, जितना दोनों साइड से अगर सेम फोर्स लगा रहे हो, तो हम लोग कहेंगे इस बॉडी पे क्या? बैलेंस फोर्स है। इस बॉडी पे क्या? ऐसे ऑन करो बाबू, शुभ सैदान एरोनक बाबू ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे। क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे, है ना। तो आपको बाबू क्या करना पड़ेगा, है ना, देख के बताना पड़ेगा कि कौन कौन से बॉडी पे बैलेंस फोर्स है या नहीं, है ना। तो हमेशा ध्यान देना, डायरेक्शन को हमेशा सेलेक्ट करना। मान लो कोई बॉडी है बाबू, तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, ईस्ट डायरेक्शन को, है ना, किसी एक को पॉजिटिव निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। और मान लो एक्सिस होता है ना जी, एक्सिस होता है ना,
है ना, एक्सिस होता है ना, तो इधर हम लोग पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं ओरिजिन के, ओरिजिन के ऊपर जाते पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे क्या जाते हैं निगेटिव होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा है ना बाबू, है ना, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के इधर निगेटिव वैल्यू, और नीचे में क्या होता है निगेटिव वैल्यू होता है ना। तो उसी तरह से है ना, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ये जो सारे फोर्स लग रहा, एक फोर्स यहाँ 10 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन, तीसरा 15 न्यूटन, अगर सारे फोर्स का सम अगर जीरो आएगा तो हम लोग कहेंगे इस बॉडी पे क्या बाबू, इस बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर सारे फोर्स का सम जीरो नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है ना, बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। ठीक, तो इस बॉडी पे देखो सारे फोर्स का सम कितना 10 प्लस इधर से जो फोर्स लग रहा है ना बाबू, तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स जो हम लोग लिखेंगे, बोला नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, तो किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो कितना होगा 10 न्यूटन, यह भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यह फोर्स जो मेरा लग रहा है बाबू, ये भी जो फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में ना, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर लेगा, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेगा तो इस 10 न्यूटन दूसरा कितना हो गया 5 न्यूटन, तो 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, आगे इधर निगेटिव लग रहा था इसको क्या करोगे -15 न्यूटन करोगे, बस 10 15 -15 कितना हो जाएगा 0 न्यूटन हो जाएगा ना, 0। मतलब इस पे भी सारे फोर्स जो लग रहा है F1 F2 एंड F3 आपस में क्या है सर, बैलेंस फोर्स है, इस पे सारे का सारे फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स है, ये दोनों मिल के इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, F1 प्लस F2 मिलके इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ना। इसका हमको आगे यूज पड़ेगा, इसीलिए बता रहे फ्री में नहीं बता रहे, ये सारे टर्म का आगे हमको क्या पड़ेगा, यूज पड़ेगा, यूज पड़ेगा है ना, यूज पड़ेगा। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, बैलेंस फोर्स हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा बैलेंस, इस पे भी मेरा क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है ना, बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो ऐसे आपको चेक करके बताना है ना, चेक करके क्या रहता है, बताना रहता है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, F1 F2 एंड F3 आर बैलेंस फोर्स है ना, कौन किसको बैलेंस कर रहा, तो F1 प्लस F2 मिल के F3 को क्या कर रहा, बैलेंस कर रहा है ना। तो इसमें भी बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, F1 F2 and F3 are balance force and F3 are what बाबू, balance force, क्या आपस में balance है ना, balance force है ना, balance force है। ठीक, next बाबू यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे चार force लग रहा है, तो यहाँ पे direction मान लो इस direction को अगर आप positive मानते हो, इस direction को अगर आप positive मानते हो इधर की ओर है ना इस direction को positive मानते हो, आएगो नीचे से भी force लग रहा है, ऊपर से भी force लग रहा है, नहीं हो सकता है जी, है ना, ऐसा हो सकता है ना बाबू, काहे नहीं हो सकता बाबू, अरे शैतान मेरे, है ना, भगवान तो दिए गो हाथ में दिए बाबू, क्या करे, गो हाथ देते तब ना, जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, लगा दीजिए सर से, ठीक है, तो इधरों से ठेलो, इधरों से ठेलो, इधर से ठेल रहे है ना, इधर ठेल रहे हैं, इधर से ऐसे ठेल रहे हैं, ऐसे था इधरों से ठेल रहे हैं, तो दो गो हो गया इधर बोला, फिर ऊपर से भी दाबो, ऊपर से भी दाबो और नीचे से भी दाबो, है ना, तो भगवान दुए हाथ दिए बाबू, तो इस पर ऊपर से भी ऐसे करके दाबो और नीचे से भी ऐसे करके दाबो, ठीक, ऊपर नीचे दोनों दाब रहे हैं, और इधर से राइट से भी और लेफ्ट से भी, है ना, तो इस पे चारों डायरेक्शन फोर्स लग रहा है ना, तो आपको किसी इधर लगेगा है ना, दाबने की जरूरत भी नहीं है, है ना, नीचे नीचे तो ग्रेविटेशन लगेगा है ना, ग्रेविटेशन लगेगा, नीचे ग्रेविटेशन लगेगा तो अरे शैतान, नीचे से ऊपर से दाबोगे और नीचे से नहीं दाबोगे बाबू, नीचे से नहीं, इसको ऊपर की ओर फोर्स लगेगा है ना, तो अल्टीमेटली नीचे मोशन हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको डिसाइड करना, मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा है, एगो ऊपर एगो नीचे लग रहा है, एगो ऊपर को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, है ना, पॉजिटिव मान लो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमको ऊपर से जितना कर रहे हैं उतना ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल रहेगा, हाँ उतना ही लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो सब हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो। तो अगर इस पे बाबू एनालिसिस करना चाहते हो बाबू, इसको एनालिसिस करना चाहते हो है ना, फोर्थ नंबर को, फोर्थ नंबर को कैसे होगा, पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, हॉरिजेंटल का हिसाब किताब करो, फोर्स को जब सारों को एक के साथ नहीं करना, इधर हॉरिजेंटल का करना, फिर इधर क्या करना, वर्टिकल का करना, वर्टिकल का डरना है ना, वर्टिकल का करना है ना, तो फोर्स इन बाबू, इसको क्या कहोगे, फोर्स इन बाबू, फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी किधर बाबू, ऑन एक्स एक्सिस या ऑन हॉरिजेंटल बाबू, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन है ना, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज बाबू है ना, हॉरिजेंटल, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बाबू, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन,
इधर फोर्स F1 लग रहा है बाबू 10 न्यूटन, नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स इधर से 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको फोर्स, इसको आप एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इधर क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। एफ एक्स मतलब क्या, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। मतलब ये इस डायरेक्शन का फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, इधर से इधर से। अब फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकालो, है ना, वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग निकालो, वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग निकालो, है ना। जब भी बाबू 3-4 फोर्स लगेगा तो इसको हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल, है ना। फोर्स लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन बाबू, फोर्स बाबू ऑन बॉडी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, किधर, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो मान लो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो ऊपर वाले फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा, तो इसको एफ बाई कह सकते हो। तो ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हो तो 5 न्यूटन, तो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर, इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या, ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर। तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, हाउ इट मच अबाउट 0। तो मेरा इधर से भी फोर्स बैलेंस है, अप डाउन भी क्या आपस में बैलेंस फोर्स है, क्या बैलेंस फोर्स है ना। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो F1 F2 को F4 को बैलेंस कर रहा, F1 F3 को बैलेंस नहीं कर रहा, F1 किसको बैलेंस कर रहा, F4 को। तो F1 F4 आपस में बैलेंस हो गया और F2 F3 आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना, बैलेंस हो गया। लिखोगे सेकंड नंबर लिखो, थर्ड नंबर लिखो, इसलिए बाबू F1 F4 बोलिए बाबू का क्लास मैम, हाँ, वो चली गई है, वो कहीं मामा के घर पे तो वाले ये मीटिंग में ही थे तो जा रहे हैं, इसलिए क्लास नहीं कर पाए। मामा के घर गई तो लिंक भेज दीजिए, वहीं से कर लेंगे। वो नहीं गई है ना, सिर्फ माँ गई है तो मोबाइल लेके गई है। अच्छा माँ गई है, हाँ वो नहीं गई, उसको बोले थे कि भाग के कर लेना, तो पता नहीं बोली कि रूम से नहीं है, वो आगे को। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट F1 F4 क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, और कौन किसको बैलेंस करेगा, F2 बैलेंस किसको करेगा, F3 को बैलेंस करेगा, है ना। तो ये किसका हो गया, 4 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, 4 नंबर का। राइट ऑन करो बाबू, ए रोशनी का रोशन कर रही हो, अमृता बाबू ऑन करो, ए रौनक बाबू ऑन करो जी, हम आपके बताने से पहले ही 5 बना लिए तो हम क्या, वेरी गुड बाबू, बना लिए तो आराम करो। ये बाबा धाम लिख रही हो जी, बाबा धाम दिखाओ तो, कहाँ लिखे दिखाओ तो, बोले धोखाधड़ी खाली करती है, किसको धोखा देती है बाबा धाम, हमको समझ ही नहीं आता बाबू। किसको धोखा देती है बाबा धाम, हाँ ना लिखती या झूठ भी बोलती, लिखी भी नहीं या झूठ भी बोलती, हद है बाबू, इतना झूठ बोले ला सब सीखिए ना। रुको इसके मम्मी से फोन करते हैं, काहे नहीं लिखी जी, ए बाबा धाम लिखी काहे नहीं बाबू, रोशनी बोली रोशन कीजिए बाबू, रोशनी कैसे क्या करेगी, ए मिस्टेक काहे नहीं लिखी जी, सर F1 and F4 आर बैलेंस फोर्स हो, हाँ F1 F4 बैलेंस, आर F2 F3 बैलेंस करेगा, F2 F3 आप अपडाउन वाला बैलेंस करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, बाकी सब करना कौन किसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंस्ड होगा ना, हाँ बैलेंस्ड कर दो सर, अच्छा ठीक है बैलेंस्ड कर दो, हाँ बैलेंस्ड कर दो, बाकी सब करना। नेक्स्ट बाबू इसको समझाते, उसके बाद सर सेकंड में डी नहीं हो सर, F2 बैलेंस F2, अरे F1 F4 हुआ ना बाबू, सेकंड वाला का बाबू ये लिखो, और क्या नेट फोर्स इतना 0, सेकंड वाला का लिखो, नहीं लिखा हुआ सेकंड वाला,
जल्दी करो बाबू। स्कूल नहीं आए थे? स्कूल बाबू हम लोग लेट से आते हैं। इस टेस्ट में बाबू अटेंडेंस प्राइज बाबू ये किसका है? गौरव है और एक कौन है बोला मेरा शुभ है। तो गौरव शैतान अब्सेंट है। गौरव बोला अप्रैल में कहाँ गया? गौरव 17 को अब्सेंट है अप्रैल में। तो उसके बाद बच गया लव शुभ, बच गया शुभ शैतान अब्सेंट नहीं है। तो अटेंडेंस वाला प्राइज शुभ को लव को और मंथली प्राइज किसका था? अंशुजीत का था शैतान। अंशुजीत का था सर, मैं अब्सेंट नहीं था उस दिन, ज्वाइन कर लिया था सर फिर बाद में। 17 को बोला? हाँ सर, मम्मी फोन लेके चली गई थी फिर आके सर आपको बताया नहीं था। सत्रह को तो लेट से क्यों आते भोला? नहीं आना चाहिए सर, मम्मी फोन लेके चली गई थी उस दिन। 19 को भी आधा से भागल हो गौरव शैतान। 19 तारीख के भी आधा से भागल हो लिखल है भोला। 17 19 देखो सारा हम लोग मेंटेन के ले रहते हैं। चलो बाबू अब्सेंट आप लोग नहीं हो, 30 में 300 दिन रहो है ना। हम लोग ऐसे अटेंडेंस तो बाबू 6:30 बजे के बाद ही बनाते हैं, 6:25-30 में बनाते हैं। इसमें देखो आर्यन अब्सेंट नहीं होता है मेरा, 2-3 को बच्चा नहीं होता है। मंगला स्थान कल अब्सेंट हो गया। नेक्स्ट बाबू तो देखो आगे बाबू क्या कुछ कुछ कंसेप्ट है। बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस बाबू नो आइसोलेशन। अगर बैलेंस फोर्स लग रहा किसी ऑब्जेक्ट बाबू तो आइसोलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा है ना, नो आइसोलेशन। अरे शैतान मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधरों से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक दोनों साइड से क्या लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, तो आपको क्या करेगा इसमें मोशन नहीं होगा है ना, आइसोलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। आइसोलेशन कहने का मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगा। अगर रेस्ट में है तो इटरेस्टे में रहेगा। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, शांति समझना, आइसोलेशन कहने का मतलब क्या होता है बाबू? वेलो चेंज वेलोसिटी में चेंज। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यही बताया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना बाबू। आइसोलेशन का मतलब क्या बताए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताए, यही तो बताए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। म्यूट करो जी किसका जी है ना। मतलब बाबू जब भी किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो उसमें आइसोलेशन नहीं प्रोड्यूस होगा। आइसोलेशन मतलब उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा। किसका ने म्यूट जी? अमृता बोले म्यूट करो बाबू, खट खुट के ले खा ले, ठीक। जब भी किसी ऑब्जेक्ट बाबू बैलेंस फोर्स लगेगा है ना, जैसे मान लो ये है एट रेस्ट में, तो इधरों से ठेलो इधरों से ठेलो दोनों साइड से सेम फोर्स से ठेलो, तो इसमें कभी कोई आइसोलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा है ना। आइसोलेशन मतलब इसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा। अगर एट रेस्ट में तो एट रेस्ट में रहेगा, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो जितना फोर्स इधर से लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर से लगा रहा है ना, तो फिर बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और दोनों साइड से सेम फोर्स लगा रहे हो, तो ये अल्टीमेटली क्या रहेगा? मोशन में ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं ना बदला। वेलोसिटी बदलेगा तभी हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी में क्या एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी जब तक नहीं बदलेगा कहेंगे एक्सीलरेशन नहीं है ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा है ना, कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा है ना, है ना, कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा है ना। आगे आपको पढ़ाएंगे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, एक टर्म पढ़ाएंगे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन पढ़ाएंगे, तो एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। तो बैलेंस फोर्स का हमेशा क्या होता है? सारे फोर्स का सम निकालोगे क्या होगा? सम क्या होगा? जीरो हो जाएगा है ना। नेक्स्ट एक टर्म क्या लगेगा? इफ टू फोर्सेस आर बैलेंस टू ईच अदर है ना, अगर दो फोर्सेस बाबू क्या बैलेंस है ना, तो दोनों फोर्स डेफिनेटली एक दूसरे के क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक डायरेक्शन में दो फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाह रहे हो? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, देखो शांति से समझो है ना। एक डायरेक्शन में बाबू कभी भी दो फोर्स बैलेंस नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो ये मान लो कोई बॉडी है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना,
तो ये दोनों फोर्स को बैलेंस नहीं कहेंगे, दोनों फोर्स को बैलेंस हम लोग नहीं कहेंगे, नहीं कहे ना। अगर दो को बैलेंस फोर्स है तो डेफिनेटली वह दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन होगा। दोनों फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो एक डेफिनेटली इधर से 10 न्यूटन लगे, है ना। तो डायरेक्शन दोनों का क्या अपोजिट है, एगो इधर तो एगो इधर, डायरेक्शन अपोजिट है ना बाबू, समझते चलना। फिजिक्स से आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं बाबू, है ना। अरे चेताने को इधर से फोर्स लगा दो, एगो इधर से फोर्स लगा दो, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स है तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा, है ना बाबू। तो इसमें क्या होगा, कोई एक्सीलरेशन बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होगा, है ना, कोई एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा ना। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे ना। मतलब जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट में बहुत बैलेंस फोर्स रहेगा, है ना, तो एगो इधर से लगेगा एगो इधर से लगेगा, चाहे एगो क्या लग सकता है, एगो ऊपर लगेगा एगो नीचे लग सकता है ना, है ना। डायरेक्शन कैसे हो सकता है, अगर बैलेंस फोर्स है तो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे भी हो सकता या एगो ऐसे तिरछा भी हो सकता, ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे भी हो सकता कि नहीं, ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना, है ना। तो जब भी बैलेंस होगा तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस है तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो ये सब ध्यान रखना है ना, बैलेंस फोर्स जब भी लगते हैं बाबू क्या होंगे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो उसी को इंग्लिश में लिखा है, इफ टू फोर्सेस बैलेंस टू ईच अदर दे मस्ट बी बाबू इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे बाबू, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स किसको करेंगे बाबू, है ना। इफ द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाबू, है ना, इज नॉट जीरो, है ना। अगर किसी फोर्स बाबू सारे का सारे फोर्स क्या है, अगर सारे फोर्स का सम जीरो नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। कहने का मतलब क्या बाबू, ठीक, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, ठीक। तो ये बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा, नेट फोर्स का सम जीरो नहीं ना है, इधर से 10 इधर से 5, तो नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे बाबू, नेट फोर्स निकालोगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन बाबू माइनस 5 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो नहीं ना आया तो हम लोग कहेंगे ये क्या, अनबैलेंस फोर्स है, क्या बैलेंस नहीं, तो बैलेंस नहीं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, है ना, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या था, बेसिक कंसेप्ट है। आगे बाबू दो चार को और टाइप का फोर्स पढ़ना है, दो चार को क्या करना, और टाइप का बेसिक फोर्स पढ़ना है ना, बेसिक फोर्स का, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या होता है ना, ये सब थोड़ा हम लोग को पढ़ना। नेक्स्ट बाबू कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, नेक्स्ट ये सब बेसिक फोर्स है, ये सब आप लोग को आना चाहिए तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कहोगे बाबू, यदि दो ऑब्जेक्ट, हाँ बोला, अनबैलेंस फोर्स में एग्जांपल ही देंगे, लिख लो इसका एग्जांपल, लिख लो बोला, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, अभी ऊपर एग्जांपल करवाए ना। जैसे इधर से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग गया F1 की वैल्यू, और इधर से क्या लग गया, F2 की वैल्यू कितना लग गया, 5 न्यूटन का फोर्स लग गया, है ना। तो नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 करो, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन हो गया। तो नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि बाबू नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जीरो नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, F1 एंड F2 आर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, आर अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स लिखिए, फिर आगे इसको समझाते हैं। तीन को बच्चा कौन गया जी, एगो श्रुति, अनबैलेंस्ड होगा सर फोर्स, हाँ अनबैलेंस इसको करो, जल्दी लिखो बाबू,
ए बाबू अमृता समझ में आता है बोले अमृता? यस सर। लिखो जल्दी से। सर फिजिक्स में आज मेरा एक थोड़ा सा गलती हो गया। थोड़ा सा काय गलती कर दीजिए, कौन कौन सा नहीं बना, सब तो बताइए क्या था पढ़ाई में। नहीं याद था, जैसे सर कॉपी लिया ना तो फिर याद आया, जहाँ पे स्मॉल होता ना वहाँ पे ओरिजिन कर दी। छह बार बोलिए बाकी जल्दी लिखो। सर हमेशा हाँ। F1 माइनस F2 क्यों करेंगे, F2 माइनस F1 भी तो कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, कोई आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो। मान लो आप इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो F2 माइनस F2 करना, तो उसके इसमें नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, उससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क बाबू नहीं पड़ता, फर्क आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, है ना। माइनस आ रहा है वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इधर मेरा ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन तो बेस्ट को पॉजिटिव लिया। सर तो फोर्स माइनस 5 न्यूटन आएगा तब? फिजिक्स में जब भी निगेटिव वैल्यू आएगा फिजिक्स में तो हमेशा वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। फिजिक्स में माइनस जब भी आता है तो वो समझो कि आपका जो भी क्वांटिटी आ रहा है आंसर मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन आपका उल्टा आ रहा है, आप जिस डायरेक्शन को माने हो उसके उल्टा आ रहा है अगर निगेटिव आएगा तो। नेक्स्ट बाबू कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे बाबू क्या होता है, दो टाइप का फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फिर आगे और भी होंगे फ्रिक्शन फोर्स वगैरह, है ना। इसी कॉन्टैक्ट का नॉन कॉन्टैक्ट का ये टाइप होगा नॉर्मल फोर्सेस, है ना। जल्दी करो सर, हो गया सर। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो सब एट का टॉपिक है, हम अभी आपको थोड़ा सा हल्का बता देते हैं, ठीक है ठीक। आगे बाबू क्या है बाबू कॉन्टैक्ट, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, उसका सारा क्लासिफिकेशन बताएंगे। वीडियो ऑडियो बंद, ये हो गया लीव वाला पे टच हो गया। देखो फोर्सेस को बाबू दो टाइप में डिवाइड किया गया, शांति से समझना। फोर्सेस को बाबू टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बाबू अभी यहाँ से समझो, बाद में लिखा देंगे। दो टाइप का फोर्सेस होता है, एक कौन सा बाबू कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का किसको बाबू, है ना बाबू, यदि किसी ऑब्जेक्ट बाबू फोर्स लगा रहे हो तो उसको क्या हो, उसमें अगर टच कर रहे हो, है ना, उसको अगर टच करके फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। अब बिना कॉन्टैक्ट टच किए जो फोर्स लग रहा है उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे भोला समझो मेरा बाबू, है ना, जैसे समझो जैसे गाड़ी को ठेलना है, अब ये गाड़ी को ठेलना है तो अपने आप बाबू हवा में तो ठेलाएगा नहीं, इसको जाके टच करना ही पड़ेगा तभी ये गाड़ी क्या होगा ठहलाएगा, है ना। तो ये किस टाइप का फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। कैसा हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। मंगलस्थान वीडियो ऑन करो जी, एल्ला बाबू ऑन करो, दोनों भाई बैठ के ऐसे करते रहता है। तो ये क्या हो गया सर, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स देखो क्या बाबू, मैग्नेट वाला फोर्स देखो, मन से पढ़ना अमृता, सबसे तेज हो जाना बोली। जैसे मेरे पास क्या मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू मैग्नेट की फोर्स, हाँ बाबू शादी ब्याह होगा ना तो इसी को आपको देंगे, ठीक है ना, गिफ्ट में से पहनाना मिडिल फिंगर में, ठीक है ना। हॉर्सुईया वाला मैग्नेट है यूसेफ, ये हॉर्सुईया, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, हमको अभी इसकी नहीं बात करना। कंपास निकालिए, वो आएगा तब निकलेगा, वो शाम को पढ़ना। देखो अब बाबू यहाँ पे तो क्या करे हो, इसको ऐसे करो, है ना। तो देखो बाबू यहाँ पे हम एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट नहीं करें। देखो जैसे इस गाड़ी को ठेलना है तो इसको कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है, बिना कॉन्टेक्ट के तो बाबू होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, नहीं ना, इसको क्या कहोगे, कॉन्टेक्ट फोर्स कहोगे, ठीक। अब यहाँ पे बाबू मान लो इसको सटाओगे इसके पास में, है ना, शांति से देखना, है ना। तो देखो क्या हो रहा, सटा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, बिना कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अरे शैतान भाई सब बैल है पूरा।
अरे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं ना कर रहे हैं बाबू, इस मैग्नेट हम लोग सटा नहीं ना, फिर भी उसमें मोशन हो रहा है, देखो बिना सटाए हुए क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ना। अरे मैग्नेट को हम लोग देखो नजदीक लेके जा रहे हैं लेकिन भाग रहा है बिना कॉन्टेक्ट हुए, तो बीच में कुछ हो नहीं ना है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना बाबू, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। कितना अच्छा मैजिक बात है बाबू, इसको बिना हम टच किए बाबू इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ना। तो यहाँ भी तो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू, अगर मोशन हो रहा है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि पहले वेलोसिटी जीरो था, इसमें वेलोसिटी आ गया मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो अब इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे बिना कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है ना, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसको क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स वगैरह होता है वो क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है नॉन कॉन्टेक्ट होता है ना, जैसे कंघी वगैरह है ना, कंघी से बाबू इसको बाल को करो छोटा छोटा पीस ले लो है ना, और उसको अट्रैक्ट करो है ना, तो आपका जो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा होगा कंघी में क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वहां पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं ना। तो फोर्स को यही दो टाइप में बांटा गया है ना, वो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा बाबू, जिसको बाबू आपको बॉडी को इंटरेक्शन होना जरूरी है, वैसा फोर्स बाबू जिसमें क्या होगा, इंटरेक्शन होना जरूरी होगा ना, है ना, फोर्स लगाने के लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे ना। जैसे पानी से बाल्टी वगैरह भरते है ना, मैंने पानी वगैरह भरते हो बाल्टी से ना, तो वहां पे जो बाल्टी को उठाते हैं हाँ, तो वहां पे हमारा मस्कुलर फोर्स लगता है, क्या लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है, तो वो मेरा एक टाइप का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया है ना। मस्कुलर फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया ना। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बाबू, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, शैतान देखो समझो, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। जैसे समझो भोला मेरा, समझना मेरा तो समझाए, जैसे ये चक्का, ये गाड़ी जा रहा है ना, तो गाड़ी जा रहा है बाबू है ना, तो ये आगे जा रहा है लेकिन कुछ देर के बाद देखो ये ठेला लेकिन रुक गया, थोड़ा सा हमने फोर्स दिया तो रुक गया, तो आखिर क्यों रुक गया, तो क्योंकि बाबू इसका जो चक्का है, टायर है, ये जो सरफेस है, इसके बीच में क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ जी सर, दोनों तो प्लास्टिक है तो वो तो स्लिप भी करता होगा। कोई भी बाबू 100% सरफेस रफ पॉसिबल नहीं होते, जब भी दो बॉडी कॉन्टेक्ट में लगेगा तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बाबू मान लो ये इधर मूव कर रहा है ना, तो आगे जाके रुक गया, मतलब इसका टायर और इसके ये बोर्ड वाला सरफेस के बीच में है ना, कॉन्टेक्ट में है ना यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या है, मान लो गाड़ी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, मोशन के अपोजिट, इधर लगेगा है ना, इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी मेरा क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जब तक कॉन्टैक्ट रहेगा तभी फ्रिक्शन आपका क्या होगा, लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर होगा, इधर मान लो मोशन कर रहा है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन ना, जैसे आप लोग चप्पल वगैरह चलते हो बहुत, आपका चप्पल खिया जाता है ना, ये होता है सोल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे आप जिस जमीन पे चलते हो वहां पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है तो सोल क्या होता है ना, मैंने डैमेज हो जाता है ना, कुछ 5-6 महीने के बाद है ना, तो फ्रिक्शन के कारण है ना, क्यों बहुत फ्रिक्शन के कारण, तो फ्रिक्शन भी मेरा क्या बाबू, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। मैग्नेटिक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट हो गया ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन करो है ना। ए बिट्टू का जिंदगी जी रहा बाबू, बिट्टू ए बोला जिंदगी जा का जी रहा बाबू, इसको डिफाइन करो बाबू, कॉन्टैक्ट फोर्स को, फोर्सेस डेट अराइजेज बाबू, अमान से पढ़ना बाबू अमृता, फोर्सेस डेट अराइजेज, टाइम पे आइए भोले, विथ द फोर्सेस डेट अराइजेज बाबू, विथ द बाबू कॉन्टेक्ट ऑफ टू, विथ द कॉन्टेक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, टू और मोर ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें कॉन्टेक्ट, जैसे बाबू आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, फ्रिक्शन फोर्स, ये मेरा क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स,
स्प्रिंग फोर्स ऐसुर शैतान काय जिंदगी जी राजे बहुत सारे एग्जांपल मस्कुलर फोर्स स्प्रिंग फोर्स तो इन सब को भी डिफाइन होगा थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स हमको जरूरत है मस्कुलर फोर्स हमको जरूरत है 7-6 अब फ्रिक्शन फोर्स हमको जरूरत है ना वो हम डिफाइन कर देंगे आपको है ना मैग्नेटिक फोर्स है इसमें ड्रैग अप थ्रस्ट टेंशन नॉर्मल रिएक्शन वो सब फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे ना तो उसमें बता देंगे आपको नेक्स्ट बाबू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम हो गया मंगलास्थान सर आज था एग्जाम लेकिन आज छूट गया छूट गया कई क्वेश्चन छूट गया सर एग्जाम छूट गया एग्जाम में छूट गया शैतान सारी के चक्कर में गया पीटी 1 था क्या था वैसे पीटी 1 ही था पीटी था बाबू फिजिक्स में तो पूरा फिजिक्स में तो जितना सिलेबस था पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ एक चैप्टर पूरा बाकी था एक चैप्टर में भी दो जो रहता है ना 1.04 और 1.05 बाकी था फोर्सेस दैट अराइजेस विदाउट बाबू without the contact of बताएंगे अब छोटी है क्या बाबू तब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाई भी करेंगे तो सर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताएंगे ना फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यस सर स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन समझा देंगे मैग्नेटिक फोर्स समझा देंगे समझ लेना बाकी बुक से रीडिंग मार लेना अच्छे से समझा देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब क्या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे मेरा क्या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है जैसे बाबू छत पे गया किसी को पकड़ कर ठेल दो तो नीचे आ जाएगा बिना कॉन्टेक्ट किए हुए नीचे आ जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स अभी आपको दिखाई भी किए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा है ना स्केल से बाल में लगड़ो है ना और छोटे छोटे पीसेस को क्या करो मेरा बाल ही नहीं है टकला होगा कहाँ रखने हाँ फिर भी उसमें भी काम करेगा बाल थोड़ा थोड़ा फूजल होगा नहीं सर कल ही हुआ ए बाबा धाम किसको धोखा दे रही बोली बाबा धाम धाम नहीं पढ़ती शांतनी तो नहीं पढ़ती है तो चलो ठीक है झूठ कम से कम नहीं बोलती है ये तो शैतान एकदम पढ़वे नहीं करती है जल्दी लिखो बाबू जल्दी लिखे बाबू स्टैटिक फ्रिक्शन बाबू उसको डिफाइन कर देते हैं सब ब्लर हो गया अच्छा ठीक कहाँ गई थी रोशनी बोली रोशनी यस सर कहाँ गई थी सर यहीं पर तो हूँ 7 बजे समझ में आ रहा है इसमें तो थोड़ा कम समझ में आता होगा 7 बजे समझ में आ रहा है यस सर किस क्लास में गई 7 में कि 8 में 8 में सर और क्वेश्चन पूछना है आज कब बताइएगा क्वेश्चन पूछना है तो 9 बजे आ जाओ कितने बजे सोती हो 10:30 हाँ तो दिक्कत क्या बाबू हम लोग के पास 24 घंटा रहता है तो हम लोग का क्लास चलता है चाय पी पी के चलो लिखो
निश बाबू फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोला सर रात को भी चलता है सर अरे कभी कोई बच्चा का डाउट होता था जगह जगह का पड़ता है एक दिन कौन एक दिन एक 11 बजे कह ले था बाबू सर डाउट है हम कह बस ऐसा चुप रहो सोने दो कम से कम आयकन सबको नंबर दे लेना बहुत फायदा उठेगा सर हाँ बाबू आप बोलते हैं कि आप 12-1 बजे होते हैं फिर 11 बजे इतना था अरे कभी कभार हो जाता है बाबू कहीं 12 बजता कहीं 11 बजता कहीं पेरेंट से नहीं बात करना रहता बच जाता है सब कितने कितना बैच पढ़ाता है दिन भर तो पढ़ाते रहते हैं जी कितना बैच है बैच भरा है कितना भरा हुआ है कितना सुबह से क्लास चलते रहता है सब में फिजिक्स ही पढ़ाता है सब जब हद करते बाबू इसमें फिजिक्स पढ़ा रहे मैथ चल रहा है केमिस्ट्री चल रहा है कैसे कर रहे बाबू पढ़ाते मैथ बाबू अभी में केमिस्ट्री चल रहा है इसमें चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद मैथ शुरू करेंगे क्लास 10 वाला मैथ पढ़ो 1 बजे आ जाओ अलजेब्रा आता बाबू इसका कितना आंसर होगा बता तो बोली सब्ट्रैक्ट बाबू -5x बाबू फ्रॉम -3x बाई इसका कितना आंसर होगा बताओ तो बोली -6y 5xy -8xy कंफ्यूजन है तो अभी पढ़ लो ठीक है ना 7 बजे यही सब चल रहा है इसमें 2 क्लास का बच्चा माइनस हाँ माइनस माइनस सब खुद सोचते रहना ठीक है ना अगर इस समय कंफ्यूजन माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस -2xy होगा हाँ तो इसमें कंफ्यूजन रहता है बाबू तो इसमें हम लोग 2-3 वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं शाम को चाहिए अभी ये आपके बाद जस्ट बात ठीक तो कर सकती वो नहीं पढ़ना हाँ क्लास से मतलब नहीं कंसेप्ट क्लास वो यहाँ क्लास उलास से मतलब नहीं है हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ अभी नहीं है क्लास 2 में तो अलजेब्रा कभी आई भी नहीं करेगा लेकिन हम लोग 2 या 3 वाले को पढ़ाते हैं एडवांस लेकर चलते हैं बाबू स्कूल का सिलेबस से क्या मतलब है दिमाग में थोड़ी ना घुसता कैसे नहीं घुसेगा हद करती बाबू आप रहो अभी देखो हम घुसा कर दिखाते हैं बाबू हद करती कैसे नहीं बाबू पढ़ाने का तरीका होना चाहिए ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट ये वाला बता देते हैं यहाँ पे आने के लिए 500 हाँ देख लीजिए नेक्स्ट देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स आगे हमारा क्या फ्रिक्शनल फोर्स क्या है सर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है क्या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना तो ये हमेशा ध्यान देना ये जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगेगा आपको कॉन्टेक्ट फोर्स है सॉरी बाबू फ्रिक्शनल फोर्स मेरा क्या कॉन्टेक्ट फोर्स है तो जब भी लगेगा फ्रिक्शनल 2 बात याद रखना हमेशा मान लो ये गाड़ी इधर मोशन कर रहा है गाड़ी का अगर मोशन इधर हो रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स बाबू जहां सरफेस पे कॉन्टेक्ट है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन लगेगा है ना जो मान लो टायर है रोड है तो जो सरफेस कॉन्टेक्ट पे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा है ना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दोनों चक्का पे लगेगा ऐसा नहीं है कि एगो पे लगेगा जो जो सरफेस कॉन्टेक्ट में रहेगा दोनों सरफेस पे है ना न्यूमेरिकल कराएंगे न्यूमेरिकल इसमें आप लोग आपके बुक में दिया हुआ क्या फ्रिक्शन फोर्स में न्यूमेरिकल जनरली नहीं है एंगल ये सब कोएफिशिएंट बहुत सारा देखिएगा डर लगता है अच्छा ठीक है तो फोटो खींच के भेज देना करवा देंगे लग लेते काले छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे ठीक तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगे बाबू इधर मोशन हो रहा है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगे है ना जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आगे बढ़ रहे बाबू है ना तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा पीछे की ओर है ना पीछे की ओर हमेशा मोशन के अपोजिट में लगे और कैसे लगेगा सर जो सरफेस कॉन्टेक्ट पे है ना उसके पैरेलल रहेगा क्या रहेगा पैरेलल रहेगा पैरेलल समझते ना बाबू मान लो ये चक्का ये टायर है तो इसके एकदम पैरेलल रहेगा ऐसा नहीं कि 90 डिग्री और 80 डिग्री है ना जो सरफेस कॉन्टेक्ट पे है ना समझने का मतलब समझो जैसे बाबू मेरा मान लो ये हैंड है और ये चक्का है ना अगर ये आगे जा रहा है बोली मेरी आगे जा रहा है तो ये हैंड और चक्का के बीच में फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की ओर लगेगा किधर लगेगा बोला मेरे साइड में लगेगा है ना किधर लगेगा इस साइड में लगेगा इधर लगेगा इस साइड में है ना इस साइड में कहा चक्का और हैंड के बीच में इधर लगेगा और कैसे लगेगा आएंगे
आज कैसे लगेगा, तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके पैरेलल लगेगा इस तरह से। कॉन्टेक्ट सरफेस का कैसे होगा, पैरेलल होगा है ना, हमेशा ध्यान देना है ना, उतना ही लिखाएंगे। हाँ और क्या, ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स को अगर डिफाइन करना रहेगा तो हमेशा ये क्या होता है, मोशन के अपोजिट, ये हमेशा ध्यान देना। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है, अपोजिट लगता है। और सरफेस के क्या होता है, पैरेलल होता है। इसी को इंग्लिश में लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है ना। वेंटूवर डिज बाबू, इसी को इंग्लिश में लिखो, वेंटूवर डिज। या कीर्ति कहाँ रह गई, बोले शिवानी? सर वो शायद बोली थी कि हमसे नहीं हो पाएगा। ना समझ में आता? नहीं समझ में आ रहा था, वो जाती है कोचिंग करने तो बोली कि पापा बोले कितना पढ़ोगे। हाँ बाबू कितना पढ़ोगे बाबू। When two bodies बाबू place in contact बाबू can also exert बाबू parallel to the surface in contact touch a force. Two bodies are placed on sir. When two bodies बाबू प्लेस इन कॉन्टैक्ट है ना, जैसे मान लो बाबू हम लोग सारी चीज को बड़ी कहते हैं, एक कॉपी के दूसरा कॉपी रख दो है ना, एक को स्लाइड करो तो दो बड़ी क्या होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट के पहले आर होगा। व्हेन टू बॉडीज बाबू प्लेस इन कॉन्टैक्ट कैन आल्सो एग्जर्ट पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट टच बाबू, दिक्कत क्या बाबू, टच फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा चक्के के बीच में थोड़ी रहेगा बाबू, एगो कापी रख दो और दूसरे पे दूसरा कापी, एगो को स्लाइड करो है ना, स्लाइड करो तो वहां पे भी फ्रिक्शन, जहां भी बाबू स्लाइड होगा वहां पे भी क्या लगेगा सर, बेंच पे अगर जो नीचे पेन रख दे ऊपर से कॉपी रख कर उसको स्लाइड करे तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स में आएगा। हाँ बाबू फ्रिक्शन फोर्स बाबू, जहां भी स्लाइड होगा वो वहां फ्रिक्शन लगेगा, वो इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। सर जो आप अभी लिख रहे वो भी तो फ्रिक्शन ही है। हाँ बाबू यहाँ पे बाबू हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन के कारण ही लिख रहे हैं, नहीं फ्रिक्शन रहता नहीं लिख पाते सर, जो बोल रहे हैं तो मुंह के बीच में तो फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ बाबू जहाँ भी बाबू सरफेस कांटेक्ट में वहाँ फोर्स लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू ऑलवेज अपोजिट टू मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन, है ना, हमेशा किधर लगेगा, मोशन का अपोजिट में लगेगा। कौन कौन भागा भोला भोली, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ना बाबू, क्या बोलते हैं बाबू? यस सर। हाँ तो फोटो खींच के भेज देना, तो मेरे कल भी अब अच्छा तक घींच के भेज देना, लगले इसमें बता देंगे, नहीं तो बाबू हमको इसमें 9 में इसमें फ्रिक्शन का नहीं दिया हुआ है, लॉज भी है सर इसका। अच्छा ठीक है तो घींच के भेज देना, 4 पेज 10 पेज का फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 पेज का तो थोड़ा दो एक आध क्लास लंबा हो जाएगा, बता देंगे लगले इसी में ना बाबू, ताकि आपका नई बुक में देखेंगे रहेगा तो हम भी भेज, आपके बुक में नहीं है बोले 9 का सिलेबस में। हम लोग कोई बुक से नहीं पढ़ाते, हम लोग इस तरह पढ़ाते बाबू कि किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बनना चाहिए, एक प्रॉपर बुक का नहीं रहता, बहुत सारे बुक का रहता। स्कूल नहीं ना जी के एगो मनोहर पोथी लेके उतना ही पढ़ा दीजिए सर, है ना, स्कूल में क्या होता है, एक बुक लीजिए एनसीईआरटी या जो भी लीजिए उतना ही बता दीजिए, उतना ही में दुनिया कुआ का मेढक होता है स्कूल सर, तब उस क्लास में इतना जरूरी रहेगा वही ना बताए, क्लास से क्लास से बताना ही है। हाँ भोला वो तो स्कूल की मजबूरी है बाबू, क्या करोगे,